सबके लिए आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास का ई लोकार्पण एवं शिलान्यास किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने। रीवा में उपस्थित रहे उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल। सबके लिए आवास योजना 2022 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रीवा के वार्ड 26 में ललपा तालाब के पास AHB घटक के EWS आवासीय भवनों का लोकार्पण किया प्रदेश के उद्योग एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने। वहीं प्रदेश भर में इसका ई लोकार्पण किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ललपा में 140 EWS आवासीय भवनों का भी ई लोकार्पण किया गया। में हमारी माताएं बहनें हमारे गरीब रहते थे, मूसलाधार पानी गिरता था तो उनके घर के अंदर पानी जाता था। रात भर पानी बरसात के दौरान अपने बच्चे को सीने से छिड़का के वो परिवार घर के कोने में झोपड़ी के कोने में दुबक के जाके रात बिताने के लिए मजबूर होते। और सवेरे जब पानी निकल जाता था तो जो चौपट गृहस्थी जो चौपट हो जाती थी उसको सहेजने का काम वो गरीब परिवार किया करता। लेकिन आज उनके शानदार अट्टालिकाएं बन के तैयार हो गई, 3 मंजिल का मकान बन के तैयार हो गया। ये 10-15 दिन के अंदर जब वो फिनिशिंग हो जाएगी तो जैसे बड़े लोगों के मकान में टाइल्स लगती है वैसे इनके मकानों में टाइल्स लगी, जैसे उनके रसोई में प्लेटफॉर्म में ग्रेनाइट का पत्थर लगता है वैसे इनके उसमें मार्बल और ग्रेनाइट का पत्थर लगेगा। शानदार टॉयलेट रहेगा, बैठने के लिए कमरा भी रहेगा। इस प्रकार के मकान जब पिछले दिनों हम लोगों ने रेतरा में गरीबों को दिया था तो गरीबों के आंखों से खुशी के आंखों निकल रहे, वो प्रसन्न थे और कह रहे थे कि जीवन भर झोपड़ी में बिता दिया, किराए के मकान में रहते थे, ना अच्छा पानी मिलता था ना नाली की व्यवस्था थी, हमारा जीवन नरक से कम नहीं था। लेकिन आज ये मकान पे जब हम लोग रहेंगे हमारे बच्चे भी इस बात का गर्व करेंगे कि जिस तरह से उनके बड़े घरों में रहने वाले बच्चे जो उनके दोस्त हैं जिस तरह से वो बच्चे रहते हैं उस तरह से हमारे भी मम्मी और पापा का शानदार घर बन के तैयार हो गया है। वो भी गर्व से कहेंगे कि हमारे माँ बाप का घर है जहाँ हम लोग चैन से रहते हैं।